कुछ दिनों पहले एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर अहमद खांडरबल आते हैं, एक वीडियो बनाते हैं जिसमें माहौलियाती तबाही का मंजर सामने आता है। वीडियो बहुत ही वायरल हुआ। इस बीच म्युनिसिपैलिटी गांदरबल के सामने बड़े बड़े सवालिया निशान लगते हैं। फिर यूं हुआ, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी गांदरबल एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ ने अपनी चुपकी तोड़ी, अपनी सफाई में सामने आ गए। इन्होंने क्या कहा वो दिखाते हैं आप सबको जियो कश्मीर की इस खुसूसी रिपोर्ट में। होगा परसों डॉक्टर राजा मुजफ्फर यहाँ आए थे, उसको किसी ने लाया था यहाँ। अगर देखा जाए वो दो दड़ में लड़ाई चल रही है, उस बिना पे किसी ने जो कम्प्लेक्स वाले हैं यहाँ मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम बियामा से दो चार कम्प्लेक्स वाले जो हैं उन्होंने उनको बुलाया था यहाँ। फिर डॉक्टर राजा मुजफ्फर ने वीडियो एक उठाया था कूड़ा करकट के हवाले से, फिर डॉक्टर राजा मुजफ्फर ने उसको वायरल किया था। बेसिक उसका वजह एक है, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े कम्प्लेक्स वाले हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में। एक इकलौता रोड जो है, आपको पता होगा नागबल से लेकर बराबर बिहामा तक एक ही रोड है। हम दूसरा रोड बनाना चाहते थे, आपको पता होगा, आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, जो हमारे प्रीवियस डिप्टी कमिश्नर साहब थे शफकत इकबाल साहब, उनके डायरेक्शन पे हमने एक रोड बनाया। वो रोड हमने पहले कूड़ा करकट डाला, उसके बाद हमने उस पर लैंड मिट्टी डाली और खाक बाजरी भी उस पर डाली। उस हवाले से हमने एक बहुत अच्छा रोड बनाया था। फिलहाल उस पर इंशाल्लाह आरएनबी वालों ने प्रोजेक्ट बनाया है, आने वाले वक्त में वो रोड जो है वो हम वक्फ करेंगे लोगों के लिए। वो और वो जो रोड बन रहा है वो हम लोगों के लिए, लोगों के सहूलियत के लिए। आपको जो पता होगा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जामिंग जो होता था वो बिहामा से लेकर दुदरामा तक, इसके हवाले से हमने उसी मुतबादल में हमने वो रोड बनाया, क्योंकि गांदरबल का वाहिद एक ही रोड था नेशनल हाईवे, लिंक रोड भी वही था। इस मुतबादल में हमने एक अल्टरनेट रोड बनाया था। उस हवाले से मैं लोगों से इल्तिमास करता हूं, जो परसों वीडियो वायरल हुआ था वो बेबुनियाद हैं। जो हमारे एलजी साहब हैं वो बहुत ही पर्टिकुलर हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं धीरज गुप्ता साहब, वो भी बहुत कंसर्न हैं सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के हवाले से। जो हमारे लास्ट ईयर जो हमने MTMP प्रोग्राम किया था, आपको पता होगा माई टाउन माई प्राइड जो प्रोग्राम था वो हमने किया था, उसमें जो प्रीवियस डिप्टी कमिश्नर साहब थे उन्होंने 10 कनाल लैंड जो है वो हमारे लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है वो बन रहा है, उस पर मदोशद अभी काम चल रहा है। आने वाले मेरे ख्याल से एक दो महीने में वो जो प्रोजेक्ट हैं सबसे पहले गांदरबल में वो बन रहा है, और सबसे पहले जम्मू कश्मीर में वो प्रोजेक्ट बन रहा है, और वो लोगों के लिए हम फराहम करेंगे।